द्रोणागिरी द्रोणागिरी यस द्रोणागिरी है, ये द्रोणागिरी है और द्रोणागिरी स्टेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज वीडियो शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें बताएंगे, कुछ बातें सुनाएंगे, तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो जो दिखा रहा है, इस चैनल का नाम है पिंकुस ब्लॉग और आप बने रहिए ये धर्मपाल के साथ और आप दिखाएगा द्रोणागिरी का वीडियो। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं, ये सेम जो हमने आपको उड़न में दिखाया था उसी सेम वैसी ये जो पार्किंग एरिया है, ये हो सकता है पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये जो एरिया है ये देख रहे हैं पूरे, आपको हमको ये पूरा कवर करके दिखाएंगे, पूरा कवर कर रहे वीडियो में और अंदर भी जाके दिखाएंगे यहाँ का जो एरिया है। और जो ये स्टेशन एरिया देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो ये आपको और भी बेहतरीन दिखने वाला है इसमें। तो दोस्तों ये है टिकट काउंटर और टिकट काउंटर के पास खड़े हैं हम और यहाँ पे जो मेन सुविधाएं हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। और चलिए कुछ सुविधाओं के बारे में बात करेंगे ताकि यहाँ पे आने जाने वाले यात्री को किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो इधर वॉशरूम वैसे बताने नहीं होता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए मेरे लेफ्ट साइड में भी वॉशरूम है और राइट साइड में भी वॉशरूम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ब्लॉगर क्या दिखा रहा है, ब्लॉगिंग करेंगे दोस्त, खुला खुला करेंगे। तो ये मेन दिखाना था हमको कि टिकट काउंटर और यहाँ के एरिया के बारे में। तो चलिए बहुत ये वीडियो जो हमने दिखाया और जो हम जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे जितने दर्शक हैं कि हम सोचते हैं कि चलो और मतलब जितने सुविधाएं जो हमको मिल पाता है देखने में हमको दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं बताते हैं। तो हमारा जो दिखाने का मकसद होता है कि हमारे जितने व्यूअर हैं उनको सारे सुविधाओं के बारे में मालूम पड़े और जो देखते हैं उससे जानकारी मिले। तो जैसे उड़न स्टेशन में दिखाए थे ये सिंपल रैंप बना हुआ है और इधर एक सीढ़ी जो नॉर्मल लोग आ जा सकते हैं। और ठीक यहाँ पे अंडरग्राउंड बना हुआ है जो कि यहाँ से जो आने जाने वाले हैं उनके लिए सीढ़ी बनाया गया है और इसके अंदर जाके भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये लगभग स्टेशन के ये मेरा ये यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था लेकिन चलिए मैं भी अंदर जाके देखेंगे और मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ तो स्टेशन का कितना काम हो चुका है और हम इसका लुत्फ कब तक उठा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जा रहे हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा धुंधला काला हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं अगर स्टेशन आप उड़न के तरफ जाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाले सीढ़ी में आना पड़ेगा और ये दोनों एक ही है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड अगर ये एंट्री करते हैं तो। और दूसरा है जो नेरुल उलवे और अपने इधर बेलापुर की तरफ जाने के लिए जो ये वाला सीढ़ी है। तो चलिए हम ऊपर जाके दिखाएंगे आपको। और दोस्तों इस स्टेशन की बनावट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत, सेम जैसे उड़न को बनाए हैं वैसी ये भी स्टेशन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं और इसका भी वही सेम तरीका है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उड़न में जो पिछले वीडियो बनाए थे वैसी सेम ये भी दिख रहा है। तो चलिए और भी आपको आगे का दिखाएंगे। तो ये वीडियो का जो कनेक्टिंग पॉइंट है तो ये जो यहाँ पे बहुत सारे गाँवों को जोड़ता है ये भी, और उड़न और द्रोणागिरी में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों अभी मैं कुछ यहाँ पे कुछ
चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पे सुविधाएं जो दी गई है। यहाँ पे सिंपल तरीके से जो रैंप देख रहे हैं ये जैसे विकलांगों के लिए यूज किए करते हैं, ये रैंप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ये रैंप और इसके आगे ठीक सीढ़ी दिया गया है जो कि आने जाने वाले जितने भी यात्री होंगे उनके लिए किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो और भी चलिए तो और भी दोस्तों मैं बात करूंगा। जो हम जब आ रहे थे उलवे से, मैं जब निकला तो उलवे से निकलने के बाद मैं बीच में वीडियो शूट नहीं किया था, और उसके बाद फिर जब द्रोणा गिरी आया यहाँ पे आया उसके बाद फिर मैं इस जो सामने ब्रिज देख रहे हैं तो इस ब्रिज के बारे में बताऊं तो अभी फिलहाल यहाँ पे रोड बना नहीं है, और जब बन जाएगा तो आपको अभी फिलहाल तो ये आगे से मुड़ के आता है, आगे से जाएंगे फिर यू टर्न करके आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन पूरा यहाँ पे गाड़ी आ नहीं पाता है। और इसके लिए आपको अगर इस स्टेशन तक आना है तो आपको आगे वाले गांव जो हमने आए थे उसको भी पीछे से दिखाएंगे, क्योंकि हम पहली बार आए इस स्टेशन में तो आने में थोड़ा सा एक राउंड मार के आना पड़ा। एक रोड आया है जो द्रोणागिरी स्टेशन के लिए है, वो आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए मैंने जो ये जो वीडियो दिखाया आपको, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यहाँ की जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेम जो हमने जो उरन स्टेशन का जो वीडियो दिखाया था सेम एकदम मतलब वैसी है जैसे कि हमने दिखाया था। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक बार फिर से उरन में शूट कर रहा हूँ। और इस एरिया में जो रहते हैं तो उनको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है और सारे के सारे यहाँ पे जो इसके पास में जो रहेंगे उन लोग को यहाँ पे हर इंसान एक चीज सोचता है और ये सोच के बिल्डिंग वगैरह लेता है और रहने का स्थान ढूंढता है कि हमको आने जाने में कहीं तकलीफ ना हो, ताकि हमारा जो सुविधा हो हर तरीके से, हर चीज़ जैसे मार्केट हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये सारे चीज़ ढूंढता है। तो वो आपको द्रोणागिरी में लगभग आने वाला है और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पास सारा चीज़ यहाँ पे पास में आपको होने वाला है। और ये जो गांव है तो इस एरिया में आपको यहाँ से भी आपको स्टेशन पास पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये एरिया के बारे में मैंने जो बताया आपको दिखाया तो ये आपको पसंद आएगा, और इस चैनल से आपको कुछ यदि जानने और सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।